गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास LKG सब्जेक्ट इंग्लिश। आज आप लोग को हम इंग्लिश में ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसको अच्छा से आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना? ओके। जैसे क्वेश्चन में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। टिक का मतलब जैसे हम लोग राइट देते हैं उसी तरह का टिक लगाना है, ठीक ना? टिक द करेक्ट वर्ड। अभी देखो इसमें कुछ वर्ड हम लिखे हैं, इस लाइन को हम लोग को फॉलो करना है। जैसे FAN फैन है, फैन के इस लाइन में हमको देखना है कहाँ फैन लिखा हुआ है। पहले हम पूरा लाइन के वर्ड को पढ़ेंगे, FAT फैन, FAN फैन, FUN फॉन। तो इसमें सही कौन है, फैन के साथ कौन मिल रहा है, ये फैन मिल रहा है, तो इसमें हम लोग टिक लगाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे FAN फैन, इस लाइन को हम लोग को वॉच करना है कहाँ पर फैन लिखा हुआ है। इसके साथ जो वर्ड मिलेगा उसी को हम लोग टिक करेंगे, उसी को ही हम लोग बोलते हैं टिक द करेक्ट वर्ड। ओके, जैसे नंबर टू में देखो RED रेड लिखा हुआ है, रेड के लाइन में देखो RID रेड, RODरॉड, RED रेड। तो यहाँ पर हमको खोजना है कहाँ रेड लिखा हुआ है, RED रेड कहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग को यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, ये सही आंसर हुआ, सही वर्ड हुआ, इसमें हम लोग टिक लगाएंगे, ठीक। फिर नंबर थ्री में हम लोग जाएंगे, हैट क्या लिखा हुआ है, HAT हैट। तो इस लाइन को हम लोग फॉलो करेंगे, इस लाइन में हैट कहाँ लिखा हुआ है उसी को हम लोग को टिक लगाना है। इस तरह से जो वर्ड लिखा रहेगा उसी लाइन को हम लोग फॉलो करेंगे, उसमें वॉच करेंगे जो सही वर्ड इसके साथ जो मिल रहा है वो वर्ड कहाँ लिखा हुआ है उसी को हम लोग टिक लगाएंगे। जब ये चीज समझ में आ जाएगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे HAT हैट, HOT हॉट, HAT हैट, HAN हैट। तो ये हैट के लाइन में हैट कहाँ लिखा हुआ है उसी को हम लोग को खोजना है। ओके, जैसे HAT हैट, तो हैड हम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग टिक करेंगे। तो ये राइट वर्ड हो गया, ओके, इसी को हम लोग टिक किए हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन टिक द करेक्ट वर्ड, ये करेक्ट वर्ड हुआ, इसी को हम लोग टिक लगाए हैं। फिर इस लाइन में हम लोग आते हैं, मैन लिखा हुआ है, तो इस लाइन में हम लोग को देखना है मैन कहाँ लिखा हुआ है। तो MAN मैन, MAN मेन, MAT मैन, तो मैन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग पहले मिल गया, फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, तो मैन में हम लोग टिक लगाएंगे, ये सही वर्ड हुआ, करेक्ट वर्ड हुआ। तो इसी तरह से हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है, समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे मैन है, मैन को हम लोग को देखना है, इस लाइन में ऑप्शन दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है, मैट दिया हुआ है, तो उसमें देखना है मैन कहाँ लिखा हुआ है उसी को हम लोग टिक करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर मैन है, उसी लाइन में हम लोग को उस वर्ड को, यहाँ जो लिखा रहेगा उसी वर्ड को खोजना है। ओके, जैसे मैन लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैन है, मैन में हम लोग टिक लगा दिए, सही हो गया। फिर BAT बैट, बैट के लाइन में हम लोग को देखना है क्या क्या लिखा हुआ है, तो BOY बॉय, BAT बैट, BUD बर्ड। तो बैट को हम लोग को खोजना है, यहाँ पर बैड है, बैट को हम लोग को खोजना, तो यहाँ पर बैट है, BAT बैट, ये तुम लोग को पढ़ने अच्छा से आता है, सब छोटा छोटा वर्ड है। फिर CAT कैट है, CAT कैट के लाइन में हम लोग को देखना है क्या क्या लिखा हुआ है, तो CAT कैट है, COW काऊ है, CUT कट है, तो कैट कहाँ लिखा है उसी को हम लोग को खोजना है, उसी में टिक लगाना है। तो CAT कैट के लाइन में यहाँ पर कैट लिखा हुआ है, तो कैट को हम लोग टिक लगाए हैं, तो ये करेक्ट वर्ड हो गया। तो इस तरह से करेक्ट वर्ड बनाया जाता है। ओके, जैसे फैन है, फैन के लाइन में हमको फैन खोजना है, फैन में हम टिक लगाए हैं। रेड है, रेड के लाइन में हमको रेड खोजना है, तो रेड में टिक लगाए हैं। हैट के लाइन में हमको हैट को खोजना है, तो हैट में टिक लगाए हैं। मैन के लाइन में हमको मैन को खोजना है, तो मैन में टिक लगाए हैं। बैट के लाइन में हमको बैट खोजना है, तो बैट में टिक लगाए हैं। कैट के लाइन में हमको कैट को खोजना है, तो कैट में टिक लगाए हैं। इस तरह से करेक्ट वर्ड को टिक लगाया जाता है। ओके, आप लोग इस तरह से इसको बनाइएगा और फेयर कॉपी में बनाइएगा और उसके साथ साथ लर्न कीजिएगा, समझिए अच्छा से, जिस तरह से जो वर्ड लिखा रहेगा उस लाइन को हम लोग
वॉच करेंगे, जब कहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है उसी में हम लोग टिक करेंगे। इस तरह से अगर हम लोग पढ़ने आ गया तो हम लोग को लिखने में टिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से इसको पहले अच्छा से लर्न कीजिएगा, लर्न करके फिर इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, वॉच कीजिएगा कहाँ वो वर्ड लिखा हुआ है उसी में टिक लगाओगे। ओके, इस तरह से इसको फेयर कॉपी में बनाओगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, आई होप। तो इस तरह से आप लोग फेयर कॉपी में बना के हमको बाद में दिखाइएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू।